कि अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था और मैं कुछ कॉल को उठाया, कुछ कॉल को उठा भी नहीं पाया। और मेरी बात हुई, कल ही मेरी बात हुई है और आज भी मैं लगातार कोशिश में लगा हुआ हूँ और 19 के बाद मैं पटना आपको नज़र आऊँगा। क्योंकि रीज़न है इसके, पटना हाईकोर्ट के पटल पे जो हमने लड़ाई छेड़ा है, उस लड़ाई का स्टार्टअप होने वाला है। सोमवार से निश्चित तौर पे स्टार्टअप हो जाएगा। फर्स्ट हेयरिंग और केस का जो नंबर है वो इसी माह में आ जाएगा और फर्स्ट हेयरिंग भी कंफर्म रही है, इसी माह में होगा। और पूर्ण रूप में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस पर स्टे लग जाएगा। इसलिए कि स्टे लग जाएगा क्योंकि केस का जो नेचर है हमारा, केस का जो ड्राफ्टिंग है हमारा, वो बहुत ही क्लियर कट है। उसमें क्रिस्टल क्लियर है जो मेंशन आउट है, जिसमें हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए उन सारे डॉक्यूमेंट्स में ये जो एविडेंस हमने लगाया उसमें सारे ऐसे सब प्रारूप हैं कि उस प्रारूप में गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। और इस बात को निश्चित रहिए कि गवर्नमेंट को टाइम लगेगा तो उसके पास उसका जवाब नहीं होगा। तो इसलिए के 100% कोर्ट जब सेटिस्फाइड नहीं होगी बिहार सरकार से, बिहार सरकार की जो ये नियमावली है, इतनी लंबी चौड़ी नियमावली और इतने सारे लूप पोल हैं, उस लूप पोल के बिहाफ पे ही तुरंत उस पे गवर्नमेंट को पटना है देगी कि आप तत्काल इसको प्रभाव को अविलंब इसको रोक दें। और गवर्नमेंट को ये बात स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि बीपीएससी के पास जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में आप देख भी रहे होंगे बहुत सारी चीजें चेंजेस हो रही है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। और लगातार जिस तरह से अपर मुख्य सचिव का जाना और भी बहुत सारी चीज़ों का आगमन हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसलिए कि मैं बोल रहा हूं क्योंकि लगातार हम लड़ रहे हैं इस बात को लेके। और इस बात को लेके भी हम लगातार अपने सीनियर एडवोकेट्स के संपर्क में, सीनियर एडवोकेट से मेरी बात हो रही है और सीनियर एडवोकेट ने कन्फर्म कहा कि इस बात को कन्फर्म रही है, स्टे तो लगेगा। और इस केस का जो जो मेरा केस है, 19 मई को ही हमारा केस लिस्टिंग हो गया था, लिस्टिंग नंबर भी आ गया था, केस नंबर भी आ जाएगा। कोर्ट एक्चुअली बहुत लंबा बंद रहा जिसके वजह से ये सब परेशानियां हुई। अगर कोर्ट बंद नहीं रहता तो शायद मुझे लगता है कि स्टार्टअप हो गया रहता और 15 से ये जो प्रक्रिया कल से जो इन्होंने शुरू किया बिहार बीपीएससी, ये कर भी नहीं पाते। तो ये आप बात मान के चलिए कि बीपीएससी का जो ये बहाली की प्रक्रिया इन्होंने स्टार्टअप किया है वो पूर्णतः इस पर विराम लग जाएगा, ये एक बात जान लीजिए। और जो लोग साथी अभी कह रहे थे कि हम फॉर्म भरें कि ना भरें, वो उनको मैं यही कहूँगा कि कुछ चीज़ों को आप समय पे भी छोड़ देते हैं लेकिन कुछ चीज़ों को लेके आप आत्ममंथन करते हैं। तो एक बात मैं आपको मान के चलूँ, ये बात मैं कहना भी चाह रहा हूँ कि आप स्टेट में इस बात को लेके मुझे कंप्लेन ना करेंगे कि सर आपने तो फॉर्म भी एक्चुअली फॉर्म का प्रोसेस प्रोसीड ऑन हो गया और उसके बाद आप उस समय बोले नहीं, अगर एक वीडियो आप बना दिए रहते तो शायद हम लोग फॉर्म नहीं डालते। देखिए, फॉर्म डालना न डालना वो आपका अधिकार क्षेत्र में आता है। वो आपको लगता है कि अगर मुझे बीपीएससी मेरे साथ 100% जस्टिफिकेशन करेगी तो आपको, अगर आप अपने आप में सेटिस्फाइड हैं तो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप जब सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं रोक लें, मेरा ये मानना है। क्योंकि इस पे अगर मैं कुछ बोलूं तो वो पर्सनल आपके ऊपर लागू हो जाएगा कि आप ही ने बोला था, आप ही ने मना किया था। तो ये चीज़ को भी लेके मैं नहीं बोलूंगा कि आप फॉर्म डालें ना डालें, फॉर्म डालना है तो आपका खुद का विवेक है। लेकिन जहां तक है मेरे केस को लेके मैं क्रिस्टल क्लियर हूं। केस में हम जिस तरह से बढ़े हैं और उस केस में निश्चित तौर पे ये सातवां चरण नियमावली में बिहार बीपीएससी का जो ये लंबा चौड़ा इन्होंने प्रारूप लेके आया है, चाहे वो प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सारे नियमावली पे स्टे होगा, ये जान लीजिए। वो पार्टिकुलर एक नहीं कि स्टेट 19 के लेके वो प्रारूप बन के आएगा, क्योंकि ये प्रारूप का जो पूरा खेला है वो चारों तरह के जो प्रारूप में है, वो चाहे वो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उस सब पे ये पूर्णतः विराम लगेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियर इस बात को क्लियर किया है कि बीपीएससी में जो बीपीएससी का जो दो पैटर्न एग्जाम है उस पे जो प्रोसेस इन्होंने किया है इंक्लूड, तो इसी के लेके पूरा नियमावली जो हमने कोर्ट केस में जो चुनौती दिया है, इस पूरे कानून को हमने चुनौती दिया है, ना कि हमने पार्टिकुलर एक स्टेट 19 को लेके। जरूर हम बढ़े हैं, स्टेट 19 के साथ साथ हमारा
प्रारूप पे पूरा का पूरा फोकस्ड है, इस बात को समझ लीजिए। और मैं आपको बता दूं ये केस का पूर्णतः बहुत जबरदस्त अभी गहमा गहमी होने वाला है, मैं आपको बता दूं। और 19 के बाद मैं आपको पटना भी मैं नजर आऊंगा। और मैं इसलिए कि ये बात बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली ज्यादा वीडियो भी लंबा नहीं लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस बात को समझ लीजिए, इस कोर्ट केस में जो हम बढ़े हैं, इस कोर्ट केस में 100% हम जीत रहे हैं। वो इसलिए कि हम आपको बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे लूप पोल हैं, उस लूप पोल का एक फर्स्ट बिहाफ का जो लूप पोल है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को भी इनके साथ जो टाई अप किया है, तो नियोजित शिक्षकों के साथ टाई अप में सातवां चरण नियमावली में कहीं पे भी ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि आप सातवां चरण में जो लोग ऑलरेडी कार्य जो लोग आना था जिनको नियोजन करके उनको नियोजित के साथ उनको आना था, इस बात को समझ, ऐसा कुछ नहीं था। अभी तक का जो भी बहाली हुआ है उसमें आपको एक बात बता देते हैं, सिंपल सा फोकस्ड है कि उसमें कोई भी अभी तक में बहाली की प्रक्रिया में कोई भी पूर्व से भी लेके आया है तो उसमें आप देखिएगा कभी भी ऐसा गवर्नमेंट इस तरह का रूल एंड रेगुलेशन नहीं लाया। तो नीतीश कुमार जी का जो बना हुआ मकड़जाल है या माया जाल है उसमें वो खुद फंस रहे हैं, और बीपीएससी के पास भी जवाब नहीं होगा। इनके जो एडवोकेट जनरल हैं, जो पीके शाही इनका जो इनके तरफ से जो लड़ रहे हैं केस, उनके पास भी ये जवाब तलब अभी कर रहे हैं। तो इस बात को समझ लीजिए, इसमें स्टेट 19 का जो हमारा केस है अग्रणी दिशा में सर्वप्रथम सर्वोपरि है। मेरा फर्स्ट केस का जो फर्स्ट जो पेमेंट वेमेंट है मैंने सारा क्लियर कर दिया है, मैं आपको बता दूं, और एकदम सीनियर एडवोकेट लड़ेंगे। जो जो कहीं ना कहीं अभी जो बिहार में जिस तरह से सेंट्रल को साइडलाइन करके, सुप्रीम कोर्ट को साइडलाइन करके जिस तरह से उन्होंने जाति जनगणना कराया, जाति जनगणना का हर्ष आपने देखा कि 500 करोड़ इनका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो इस बात को समझ लीजिए कि आप लोग अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो आप इस बात को कल के डेट में ये क्लेम मत कीजिएगा कि बंटी भाई आपने इस बात को लेके कहीं ना क्लियर नहीं किया पब्लिक डोमेन में। तो इस बात को समझिए, अभी जितने भी कोचिंग संस्थान है उनके लिए स्टे लगेगा और फर्स्ट हाफ में ही ये चीज क्लियर हो जाएगा, हो सकता है जून में ही आपको देखने के लिए मिले। मैं आपको इसलिए कि मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि मैं लगातार लगा हुआ हूं और लगातार मैं कहीं ना कहीं प्रेशर भी बनाए हुए हूं। और एक बात याद रखिएगा कि आपको ये जो सुनवाई होगी ये चीफ जस्टिस जो बिहार के हैं पटना हाईकोर्ट के वो सुनवाई करेंगे, और मुझे लगता है कि वो साउथ साइड के ही है कहीं। तो इस बात को समझ लीजिए, हमारा केस का जो ड्राफ्ट है बहुत जबरदस्त है, केस का जो जो नंबर है वो सर्वप्रथम अग्रणी नंबर हमारा आ जाएगा 19 या 20, क्योंकि 19 को हमने पिछले माह में ही हमने केस दायर किया था और केस का पूरा कॉपी हर जगह सर्कुलेट हो चुका है। तो इस बात को समझिएगा, और जो नियमावली में जो इन्होंने लूप पोल रखा है उन सारे चीजों पे काम हो चुका है, उस पर हमारे सीनियर एडवोकेट दीनू कुमार और रितिका रानी मैम इस पे काम कर रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पहले ही हाफ में ये कहीं ना कहीं आपको देखने को भी मिलेगा। तो इसलिए कि हम सारे साथियों से हम कहना चाहेंगे कि जो लोग अगर फॉर्म डाल रहे हैं बीपीएससी का तो इस बात पे जरूर संज्ञान लीजिएगा, क्योंकि इस केस का मील का पत्थर हमने आपको बोला था कि इस केस को हम कहीं ना कहीं मील के पत्थर के रूप में हम साबित करेंगे, और पूरे बिहार के लिए, पूरे बिहार के सातवां चरण अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं जो अभी तक जो हम लोग सातवां चरण का मांग कर रहे थे, गवर्नमेंट जिस तरह से हम लोग को फंसा के रखी और बीपीएससी से ट्राई के थ्रू एक एग्जाम ले रही है, तो वो एग्जामिनेशन का जो प्रक्रिया वो 100% क्लियर नहीं होगी, इस बात को समझ लीजिए। ये साल हमको लगता है कि ये प्रोसेस का प्रोसीडिंग होने में ही लग जाएगा, गवर्नमेंट पुनः इस पर संशोधन करेगी, गवर्नमेंट के पास विकल्प नहीं होगा। और फाइनली आप देखिएगा, आपको देखने के लिए भी मिलेगा और सुनने के लिए भी मिलेगा कि सातवां चरण जो नियमावली है उस नियमावली में गवर्नमेंट अपने ही बनाए हुए जाल में फिर उनको संशोधन करेगी, और हो सकता है कि इनको जो पंचायती राज व्यवस्था में जिस तरह से सातवां चरण करने की बात अब तक इन्होंने की थी 4 साल, जिस तरह से हम लोग को अंधकार में रखा था, उस अंधकार को उजाले के तौर पे इसी गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा और अप्रूवल इनको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। इस बात को इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज कोर्ट ये डिसाइड करेगा, सरकार में जो जिस तरह की चीजें उथल पुथल होके जिस तरह से आनंद फानंद में इन्होंने जिस तरह से बीपीएससी के माध्यम से नियमावली को इतना फास्ट और इतना मतलब एग्रेसिव वे में काम कर रही, तो इस बात को समझ लीजिए गवर्नमेंट 100% ये अपने ही बनाए हुए जाल में, अपने ही मकड़ जाल में फंस जाएगी। यहाँ पे कुछ साथी हमको मैसेज भी कर रहे हैं, मैं उनको पढ़ लूँ। नियमावली रद्द होने की जहाँ तक बात है कि मैं आपको बता दूँ, नियमावली रद्द तो आप एक तरह से कह लीजिए कि हाँ रद्द ही कह सकते हैं, क्योंकि संशोधन गवर्नमेंट करेगी और कोर्ट उसको कहीं ना कहीं इस बात को 100% उनको कहेगी कि आप जिस तरह से नियमावली बनाए उस नियमावली में इतने सारे
मतलब आपने चैनल वाइज आपने पूरे शिक्षक संघ को भी जोड़ा, फिर प्राथमिक को भी जोड़ दिया, उच्च प्राथमिक का तो आपने सीट ही नहीं दिया, और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का सीट है तो वो सीट भी आपने उस तरह से सीट नहीं दिया, तो तमाम वो सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पे कुछ साथी और भी पूछ रहे हैं जुलाई सीटेट 23 का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूँ साथियों, अभी जो नियमावली है उस नियमावली से ही आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। उस नियमावली में ही बीपीएससी क्लियर नहीं करवा पाएगी, बीपीएससी बहाली नहीं हो पाएगी, बीपीएससी में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, तो फिर ये जुलाई सीटेट का तो कोई औचित्य ही नहीं। जुलाई सीटेट वाले आप एग्ज़ाम दीजिए अपने तरीके से। और एक बात को मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीट जो 6 to 8 वाले यहाँ पे कुछ सवाल कर रहे हैं सुनील सर, कि 6 to 8 का तो अभी एक जो मेंशन हुआ है हमारे ही केस के समकक्ष में, सत्यम भाई का भी एक केस चला रहा है जो 566 पत्रांक के बारे में हमको पता चला, तो 566 पत्रांक पे ही उनका केस फोकस्ड है। जैसे हम के और हम जो केस किए हैं, मेरा केस पूर्णतः पूरे नियमावली पे है, पूरे नियमावली पे जो जो है कि बीपीएससी को लेके नहीं है, वो पूरा का पूरा जो नियोजन करवाने की बात थी, जो गवर्नमेंट अभी तक बोलते आई थी, उसको लेके हम के कोर्ट केस किए हैं। और उसमें सारे चरण में वो देखने के लिए ये चारों जो प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, चारों के लेके ये सर्कुलेशन निकल के आएगा, इस बात को समझ लीजिए। और जहां तक बात है नियोजित, नियोजित वाले का अलग मांग है, मुद्दा अलग है, उनको जो ये इनके साथ जो गठजोड़ किया है, जो बांटने की राजनीति गवर्नमेंट ने की, वो सारा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हम सारे साथियों से कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट के पास वैकल्पिक विकल्प नहीं है, उनके पास विकल्प के तौर पर बस यही कि हड़बड़ में वो काम कर रहे हैं, और हड़बड़ का काम आप हमेशा आप देखे होंगे शैतान का होता है। ये इसलिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट अपने ही बनाए हुए जाल में फंस रही। मुझे आश्चर्य भी लग रहा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट एकदम राजधानी के स्पीड से चला रही है, तो इस बात को मान के चलिए कि इनका भी वही हश्र होगा कि जिस तरह से जाति जनगणना में जिस तरह से इन्होंने लंबा चौड़ा प्लान लेके आया और पता चला कि धराशायियों के सारा प्लान कहीं ना कहीं साइडलाइन पे चला गया, तो वही होगा बिहार बीपीएससी 7वां चरण का, इस बात को समझ लीजिए। और गवर्नमेंट अपने ही जाल में फिर बैकफुट पे आएगी, और गवर्नमेंट फिर उसके बाद इस पे कहीं ना कहीं संशोधन करके हाईकोर्ट उनको बोलेगी कि आप संशोधन कीजिए, और जो अभी तक आप लोग करते आए हैं इस बहाली को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रक्रिया में, क्योंकि फंसने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो नियोजित शिक्षक है। नियोजित शिक्षकों के साथ हम लोग का जो कोलैबोरेशन किया, ये सबसे बड़ा लूप पोल है। और मैं लगातार संपर्क में हूँ, और पटना में फिर इसके बाद 19 के बाद आऊंगा,